You're not at all visible, only my helmet is visible. So we are waiting for the rider, our companion. He missed a turn and now we are waiting from last 5 minutes, I guess. He's going to come soon here. How's it going? Great. Now let's see when he'll come. Till then, see ya. About to reach Harihareshwar and Vinod, how's the ride going? Great. Chai mil jati, maza aata. Chai. 7 baje shuru. Yes. Abhi to 4 ghante hi hue. So both the bikes are performing well. The Interceptor and Straight Twin. Hindi mein likha. Marathi mein likha sir. Halat dekho bhaiya gaadiyon ki. पार्किंग में आगे इधर इधर लगा दे ये बैकग्राउंड वाला नहीं, मेरे को आज का बता कहाँ कहाँ क्या क्या जाना है सबको. एंड राइट नाउ आई एम एट हरिहरेश्वर मॉर्निंग और बीच जा रहा हूँ. यहाँ पे देयर इज़ अ रिसॉर्ट विच इज़ ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट कॉल्ड MTDC. इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स टू स्टे इन एट हरिहरेश्वर. So, look at the view. We are right now at Harihareshwar and जहाँ पे हमने stay किया है MTDC. तो उसके बिल्कुल hardly 200-300 meters पर ये view आपको देखने को मिलता है. So this is the one of the best outskirts area of Mumbai. अगर आप एक तरफ पहाड़ एक तरफ समुंदर एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कोंकण एरिया. दिस कोंकण रेंजेस आर सो ब्यूटीफुल. वन थिंग फॉर श्योर, कैमरा कैन नॉट एबल टू कैप्चर यू नो द फाइनेस्ट ब्यूटी. आप जितना भी महंगा कैमरा यूज़ कर लो, बट जो ब्यूटी हम लोग खुद देख पाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कैमरा, चाहे वर्ल्ड का कितना भी कॉस्टली बेस्ट कैमरा हो, वो हमें दिखा पाएगा. वी आर नाउ ऑल सेट फॉर एक्सप्लोरिंग द हरिहरेश्वर एंड नाउ वी आर गोइंग काल भैरव टेम्पल. आई थिंक कुछ 8 to 10 kilometers का है. माय बाइक इज़ गेटिंग वार्मिंग अप और in a span of 10 to 15 minutes we'll leave for the Kaal Bhairav temple. Oh, so we are leaving for the Bhairav temple, only 900 meters yahan se hai. Pehle mujhe bataya kisi ne, shayad maine usko 9 ya 10 kilometers sun liya. Oh, the new day just started and after the Bhairav temple we are planning to explore a few more beaches और बीच बीच में जो भी आएगा I'll try to cover. Till then, keep watching. We are now going Harihareshwar beach and these roads are really very fantastic. Do check your speeds if you are riding here.
छोटे रोड हैं और एकदम यहाँ पे बाइक स्पीड करना या कुछ भी बाइक या कार स्पीड अप करना आई वुड नॉट सजेस्ट टू एनीवन. एंजॉय द सीनिक ब्यूटी एंड राइड सेफ. द हरी हरेश्वर बीच और विल स्पेंड सम गुड टाइम हियर. ओके सो फाइनली वी आर एट हरिहरेश्वर. वाओ गाइस दिस इज हरिहरेश्वर बीच एंड दिस बीच इज सो क्लीन सी. जितने भी है वो विश करते हैं कि वहाँ पे जितने भी बीचेस हैं वो ज़्यादा क्लीन हो, बट इससे क्लीन बीच दिस इज सो क्लीन सो काम सो क्वाइट एंड गुड स्पॉट फॉर फैमिली विजिटिंग. सो आई रिकमेंड हरिहरेश्वर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड स्पॉट फॉर द फैमिली टूरिंग और विद द फ्रेंड्स एनीवन. बट प्लीज़ आते हैं तो गंदगी मत फैलाइएगा. दैट्स द थिंग वी शुड टेक केयर ऑफ. Quite different after riding such kind of huge CC bike, but it's fun. Boro boro, yaar. Pilao isko. Kitna piyegi ye? This is the SR पेट्रोल पम्प. बाइक में कुछ हाफ टैंक से थोड़ा कम पेट्रोल था बट स्टिल चांस नहीं ले सकते. ओके हाय बाप रे जान निकल जाती है कुछ भी अगर दिखता है बाइक में तो. और आई एम सेइंग जो भी हरिहरेश्वर की तरफ एन रूट है या घूमने आ रहा है तो बी इंश्योर कि आपके बाइक में सफिशियंट पेट्रोल हो, बिकॉज पेट्रोल स्टेशन यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस पे हैं और हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो. 600 का है ना मेरा 600 का है. We have reached the Harshvardhan. श्रीवर्धन यस. बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं नाम के टाइम पे. सो दिस द सेकंड बीच वी आर विजिटिंग टुडे. फर्स्ट वी हैव कवर्ड द हरिहरेश्वर एंड नाउ वी श्रीवर्धन बीच. इफ वी कंपेयर बोथ बीचेस दिस बीच इज वेरी वेरी प्लेजेंट काम एंड क्लीन. दो हरिहरेश्वर इज ऑल्सो वन आइसोलेटेड बीच बट लुक एट दिस बीच. Shrivardhan and want to spend a good time with your friends, with your family, and you are searching for some kind of good resort where you can stay or you can have some good foods, then this the Wood Villa is surely for you. So I am at the Wood Villa resort and restaurant, and believe me, this place is very very beautiful, calm, and this will surely give you a peace of mind here. Look at the view of this property first.
are getting ready for the Mumbai. Soon, within span of 10 or 15 minutes, the ride is going to soon. So guys, we have with us Mr. Christo, who is a General Manager of the Wood Villas Resort. And contact him. I'll leave the contact details in my link. So Christo ji, you want to say something? Yes, it was a pleasure having you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Every formality kar raha bhai, but he's a very good person and he helped us a lot. Yes. And keep watching, guys. और 65 किलोमीटर्स चाय की तलब हो रही थी यार और थक गए थे. द बीच में जो पैचेस आए थे दैट आर नॉट सो गुड, सो वी आर स्टॉप्ड हियर बाय सम मानस होटल एंड विल हैव अ कप ऑफ टी. थोड़ा आराम करते हैं. बैठ बैठ के ना बाइक चला चला के. For few minutes, we have covered some 40 odd kilometers more, and now Panvel is I think 30 or 35 kilometers more. Feeling tired. Actually, issue क्या है कि जब sunset हो जाता है, lights आँखों पे पड़नी शुरू हो जाती है, then rider कुछ ज़्यादा ही थकता है, because वो stress भी है उसके जो आँखों पे light पड़ रही है. But again, moving on. Let's see. Hope to touch the home by 2 or 2.5 hours. I would suggest all the riders to take a stop after every 50 or 60 odd kilometers, because aap active rahoge, thakoge nahi, aur jo stress rahega, jo body aches rahenge, wo aap relieve kar paoge. And it's good to be hydrated. और अपने आप को स्ट्रेच कीजिए. मैं तो यही वाला स्ट्रेचिंग प्रपोज है. आई रिकमेंड दिस स्ट्रेचिंग पोज बिकॉज इट रियली वर्क्स फॉर मी. सो कीप वॉचिंग. विल सी एट व्हाट टाइम विल रीच द होम.